दोस्तों रिंग में लड़ते हुए ऐसे तो आपने कई महिला फाइटर देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपने उनमें से किसी का हार्टनेस नोट किया होगा। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया कुछ हार्ट महिला फाइटर के बारे में। नंबर वन, पेज। पेज एक अमेरिकन मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर है, साथ ही एक मॉडल भी है। ये ओरेगन में पैदा हुई और डेटन में पली बड़ी, जहाँ इनके माता पिता का डांस स्टूडियो था। इसलिए इन्होंने 13 साल में डांस की कई फॉर्म सीखी और फिर ये डांसिंग विद द स्टार जैसे टीवी शो पे दिखाई दी। अभी के समय में यूएफसी के हॉटेस्ट फीमेल फाइटर हैं। ये यूएफसी में अभी तक कई फाइट लड़ चुकी हैं। नंबर टू, जूली फिरसो। जूली रशिया की ट्रेंड मॉडल, डांसर और मार्शल आर्टिस्ट है। ये मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग की कई फॉर्म लोगों को सिखाती हैं। समय समय पर यह थाईलैंड विजिट करती हैं और मार्शल आर्ट सीखती हैं। ये डांसर भी है, इसलिए ये दुनिया भर में डांस की क्लास भी देती हैं। नंबर थ्री, कुबरा दगली। यह एक तुर्किश मार्शल आर्टिस्ट है जिनने 2016 की वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए जाना जाता है। इनकी सपोर्ट में पॉपुलरिटी की वजह से इनके इंस्टाग्राम पे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनको कई बार कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया। 20 साल की उम्र में गोल्ड मेडल हासिल करके इन्होंने साबित किया कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। नंबर फोर, अनास्तिया। यह एक रशियन मार्शल आर्टिस्ट है। अनास्तिया मास्को में पैदा हुई और 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक इन्होंने मार्शल आर्ट सीखी। बाद में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्होंने मार्शल आर्ट छोड़ दी। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जिम में किक बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया और बॉक्सिंग टूर्नामेंट में चैंपियन जीतने के बाद इन्होंने एमएमए को ज्वाइन कर लिया और अब ये थाईलैंड की अमेरिकन किक बॉक्सिंग एकेडमी में लोगों को क्लासेज देती हैं। नंबर फाइव, गीना कार्नो। गीना कार्नो करेंटली अमेरिकन एक्ट्रेस, टेलीविजन पर्सनलिटी, फिटनेस मॉडल और फॉर्मल मिक्स आर्टिस्ट हैं। कार्नो ने थाई सीखने के बाद एमएमए फाइट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। यह ईएसपीएन मैग्नीज और मैक्सिम मैग्नीज का चेहरा भी रह चुकी हैं। इनका फाइटिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इन्होंने अपने एमएमए करियर में काफी नाम कमाया। एमएमए से संन्यास लेने के बाद इन्होंने एक्टिंग करियर शुरू किया।